अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशियों से आवेदन मांगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के सभी कमेटियां, जिला कमेटी, जिला यूथ कमेटी, महानगर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, तहसील कमेटी, नगर कमेटी के पदाधिकारियों को मीटिंग के लिए लखनऊ बुलाया तथा कार्यकर्ताओं से पार्टी के हित के लिए बात की तथा टिकट के बारे में विचार विमर्श किया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक कांग्रेसियों की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन लिए। प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को 2022 के चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने की अपील की। बरेली से जिला चेयरमैन जुनैद हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बढ़ती हुई महंगाई के लिए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक डटकर मेहनत करें, इससे 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बाद सभी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से भी मिले। श्री लल्लू जी ने भी सभी कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा और आने वाले चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अभी क्षेत्र में जुट जाने को कहा।